गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपकी इस वक्त क्लास शुरू हो रही है, नर्सरी क्लास। ठीक है, नर्सरी क्लास आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काम शुरू करवाऊंगी, इंग्लिश का वर्क शुरू करवाऊंगी। आप लोग सब मेरी तरफ मुतवजो हो जाए और ये देखिए इंग्लिश का काम कैसे शुरू करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे day, what day is today? Everybody tell me what day is today. Yes, today is Tuesday. T U E S Tuesday, day Tuesday. And now what date is today? First December. D E C. अच्छा बच्चों, दिसंबर के पूरे स्पेल नहीं लिखने, क्योंकि पूरे स्पेल लिखने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पेस लग जाएगी, तो हम ये करेंगे कि उसका एब्रीवेशन लिखेंगे D E C. ठीक है, दिसंबर का एब्रीवेशन क्या है? D E C. एंड नाउ 2020. इसके बाद आपने वन फिंगर डिस्टेंस छोड़ना है, वहां से आपने शुरू करना है कैपिटल सी एल ए डबल एस क्लास डब्ल्यू ओ आर ए वर। अब बच्चों डब्ल्यू जो आपने लिखना है उसके लिए आपने टू लाइन स्ट्रेट बनानी है और ऊपर ऊपर से नीचे, ठीक है, तीनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, बराबर होंगी। ऐसे आप लोग इकट्ठा लिख देते हैं तो वो लाइन्स आपकी टेढ़ी हो जाती है, लाइन्स को आपने टेढ़ा नहीं करना। ओके, डब्ल्यू ओ आर के वर, उससे नीचे आ जाए लाइन में, वहां पे आ जाएगा टॉपिक, टी ओ पी आई सी टॉपिक, टी ओ टो पी आई सी टॉपिक। टॉपिक में आप लिखेंगे मेक, एम ए के ई मेक, फिर वन फिंगर डिस्टेंस के बाद वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स, मेक वर्ड्स विथ डब्ल्यू आई टी एच विथ एफ, यानी कि आपने एफ से शुरू होने वाले लफ्ज बनाने हैं। किससे शुरू होने वाले लफ्ज बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं, मेक वर्ड्स विद एफ, एफ से शुरू होने वाले अल्फाज आपने वर्ड्स बनाने हैं। बीच में लाइन ड्रॉ की हमने, पहला लफ्ज कैपिटल होता है, आपको हमेशा बताया है पहला अल्फाबेट कैपिटल एफ आई एफ, ऊपर की तीन लाइंस में रेड लाइन से शुरू होगा, सेंटर की टू लाइन में आई, आई के बाद जी बनाना है। जी बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले आपने सी बनाना है दरमियान की टू लाइंस में, फिर उसके साथ ऊपर से नीचे रेड लाइन तक सीधी लाइन और इसको यू कर देंगे तो जी बन जाएगा एफ आई जी फिग। मेरे साथ पढ़िए एफ आई जी फिग, क्या लफ्ज है? एफ आई जी फिग। फिग मीन्स क्या होता है बच्चों? फिग मीन्स इंजीर, फिग मीन्स इंजीर। इंजीर क्या करते हैं? खाते हैं। ड्राई फ्रूट में एक फ्रूट होता है उसको कहते हैं फिग, इंग्लिश में कहते हैं फिग, उर्दू में कहते हैं इंजीर। ठीक है, फिग इंजीर। दूसरा वर्ड है एफ एल ए जी, जी लिखने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूं,
और हमारे फ्लैग के कौन से दो कलर है? ग्रीन एंड व्हाइट। और उसके ऊपर क्या बना रहे हैं? उसके ऊपर मून एंड स्टार। ठीक है, पहला लफ्ज हमने लिखा एफ आई जी, फिग। फिग मींस इंजीर, इंजीर एक ड्राई फ्रूट है। दूसरा लफ्ज हमने लिखा फ्लैग, एफ एल ए जी, फ्लैग। नंबर तीन, एफ दरमियान की टू लाइन्स में आपने आर बनाना है, सीधी छोटी लाइन उसके साथ ऊपर से और गेट टच करके बाहर निकाली, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। एफ आर ओ जी, फ्रॉग। इसकी साउंड निकालें, फ र ओ ग, फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। फ्रॉग किसे कहते हैं? मेंढक को। मेंढक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? टैडपोल। मेंढक जो मेंढक के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टैडपोल। टैडपोल जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रॉग। ठीक है, तीन वर्ड्स हमने एफ से शुरू होने वाले किए। फिग, फिग मींस इंजीर। दूसरा लफ्ज किया हमने फ्लैग, एफ एल ए जी, फ्लैग। फ्लैग मीन झंडा। तीसरा लफ्ज हमने किया एफ आर ओ जी, फ्रॉग। ठीक, आप नंबर फोर पे आ जाए, एफ। आप ये मुझे बताएं कि हम सारे लफ्ज ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर हमने लिखा है मेन वर्ड्स की तरफ, हर लफ्ज हमारा एफ से शुरू होगा। एफ ओ एक्स, फॉक्स। फॉक्स मींस क्या होता है? लोमड़ी। लोमड़ी एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, जंगल में रहती है, इसको क्या कहते हैं? फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स। ठीक है, फॉक्स मींस लोमड़ी। एफ आई जी, फिग। फिग मींस इंजीर। एफ एल ए जी, फ्लैग। फ्लैग मींस झंडा। एफ आर ओ जी, फ्रॉग। फ्रॉग मींस मेंढक। एफ ओ एक्स, फॉक्स। फॉक्स मींस लोमड़ी।